कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से आज पंजाब कांग्रेस के नेता करेंगे मुलाकात। कैप्टन अमरिंदर सिंह और रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर भी रहेंगे मौजूद। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। एसवाईएल के लिए एक्वायर की गई जमीन को डी नोटिफाई करने के फैसले पर पंजाब कैबिनेट की मुहर। सोमवार को विधानसभा में लाया जाएगा बिल। पंजाब सरकार की तरफ से पास किए गए प्रस्ताव का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया समर्थन। का पास किया गया प्रस्ताव कांग्रेस का एजेंडा। सीएम बादल बोले, हमें विपक्ष से नहीं मिला था कोई प्रस्ताव। राज्यसभा में भी गूंजा एसवाईएल का मुद्दा। अंबिका सोनी ने केंद्र और पंजाब सरकार पर उठाए गंभीर सवाल तो कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की पंजाब के नेताओं को नसीहत, सोच समझ कर करें बयानबाजी। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से सहजधारियों को वोट हक से वंचित करने के फैसले का अकाली दल ने किया स्वागत, लेकिन कैप्टन ने बताया गलत। सहजधारी फेडरेशन प्रमुख राणू बोले, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करना चाहिए था इंतजार। केंद्रीय कैबिनेट से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद अकाली दल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। अकाली दल का कहना है कि सिखों की लंबे वक्त से चली आ रही मांग को केंद्र ने मान लिया। पंजाब विधानसभा में चौथे दिन गूंजा बेअदबी का मामला। विपक्ष ने राज्य सरकार पर लगाए मामले में लापरवाही बरतने के आरोप। सदन में बेअदबी मामले पर बोले उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, कहा मामला है बेहद गंभीर। मामले की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत बहु तकनीकी और औद्योगिक संस्था के 5925 और 201 स्टूडेंट्स के फर्जी और दोहरे दाखिले के मामले में विजिलेंस जांच का ऐलान किया। केजरीवाल के पंजाब के डेरों में जाने पर शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि डेरों पर जाने से अकाली दल को नहीं पड़ता कोई फर्क। डेरे पर जाने से ये नहीं समझा जा सकता कि डेरे उसी पार्टी को वोट देंगे। संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म के नाम और पोस्टर पर डीएसटीएमसी ने जताया एतराज। फिल्म के निर्माता को भेजा 100 करोड़ का नोटिस। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। हरियाणा सरकार ने सफेद मक्खी से खराब हुई फसल का मुआवजा देने को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने 967 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है और 12 मार्च से किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा भी अब उदय स्कीम में शामिल हो गया। शुक्रवार को हरियाणा ने केंद्र के साथ उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत एमओयू साइन किया। राज्यसभा में एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा और पंजाब के सांसदों के बीच नोकझोंक हुई। जी मीडिया से खास बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सिर्फ चुनाव की वजह से जमीन डी नोटिफाई कर रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के नेताओं को बयानबाजी से परहेज करने की नसीहत दी है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों ने शुक्रवार को हिसार जिले में दौरा किया। दल में आयोग के रजिस्ट्रार एस पी गोयल भी शामिल थे। टीम जाट आरक्षण के दौरान हुए घटनाक्रमों के संबंध में प्रभावित लोगों से मिलने पहुंची। जाट आंदोलन पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने उपद्रव फैलाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की सरकार जल्द भरपाई करे।
78वीं राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में शुक्रवार को 28 उद्योगों के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन उद्योगों ने 968 करोड़ रुपए का निवेश होगा इन उद्योगों से और 6608 लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 11वें दिन सदन में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। सदन में बनी खेत की विधायक आशा कुमारी ने बीपीएल और आईआरडीपी की श्रेणी में आने वाले लोगों को सरकार की तरफ से दी जा रही योजनाओं को लेकर सवाल पूछे। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई। अगले वित्त वर्ष से नहीं होगी शराब के ठेकों की नीलामी। शराब के ठेकों के लिए नियमों का किया जाएगा गठन। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने रामपुर स्थित सीएम के सेब के बगीचों का जायजा लिया। बीजेवाईएम के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर आज शिमला में निकालेंगे तिरंगा झंडा यात्रा। हिसार के लाडवा गांव की एक गौशाला आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। गौशाला में गायों पर बांसुरी की धुन पर एक ऐसा उपयोग किया जा रहा है जिससे दावा किया जा रहा है कि बांसुरी की धुन पर गाय मंत्रमुग्ध हो जाती है।